क्लास 7 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। क्वेश्चन 6 इज ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ओके, आई एम रीडिंग क्वेश्चन 6। कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मीन्स ये जो परसेंट में गिवन है इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करना है, मीन्स इस तरीके से कि इसको फ्रैक्शन में भी लाना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लाना है और उसको डेसिमल में भी लाना है। गोट इट? तो 20 to 25% को सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फॉर्म, इन सब में लेकर आना है। ठीक है, 150, 20% एंड 5%। तो इस तरीके से ये अपन एक टेबल बना लेंगे ताकि ये चारों चीजों सी में राइट हो जाए। सिक्स सॉल्व। अभी देखिए, इस तरीके से मैंने एक टेबल बना ली, परसेंट जो क्वेश्चन में अपन को गिवन है ए बी सी डी। ओके, 25%। अब ध्यान से देखते हैं ना, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स इसको अपॉन में लेकर आना है। 25% का अपॉन में ऑलवेज 100 होता है, मैंने बताया था 25 अपॉन में 100। ठीक है, जो परसेंट होता है ऑलवेज अपॉन में 100 होता है। ठीक है, 150 है, 150% है, 150 अपॉन में 100। ओके, 20 है, 20 अपॉन 100, 5 अपॉन में 100। तो परसेंट हटा के अपॉन में 100 आ जाता है, तो ये अपना क्या हो गया, फ्रैक्शन। ठीक है, अब है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स उसको कट करके सिंपल बनाना, मतलब सिंपल डिजिट बनाना उसको। जब तक वो कट होगा तो अपन उसको कट करते जाएंगे। ठीक है, तो इसको अलग से कट करके देखेंगे, इसी में कट नहीं करेंगे अपन इसको। तो अभी देखिए 25 अपॉन 100 है। ठीक है, तो इसको अपन को कट करना है। ये देखिए 25 अपॉन 100। ठीक है, ये किससे कट हो रहा है, 5 से। 5 5 जा 25 5 2 जा 10 0। ओके, अभी और कट हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 4 जा 20। तो मीन्स अब इसके आगे कट नहीं हो सकता, ये अपनी सिंपल फॉर्म है, तो राइट कर देंगे 1 अपॉन 4। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्या है, 150 अपॉन में 100, 150 अपॉन में 100। ओके, ये 0 से 0 कट हो गई, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, आंसर कितना आ गया, 3 अपॉन 2। गॉट इट? अब नेक्स्ट क्या है, 20 अपॉन 100। ठीक है, 20 अपॉन 100, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन 5। ओके, अब नेक्स्ट है 5 अपॉन 100, 5 अपॉन 100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, आंसर कितना आ गया, 1 अपॉन में 20। ओके, अब इसको डेसिमल में लेकर आना है, डेसिमल फॉर्म में। ओके, डेसिमल फॉर्म मीन्स उसका डिवाइड करके। ठीक है, या फिर एक तरीका और है, इसको अपन डायरेक्टली अपन पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, इसको फॉर्म में बनकर डिवाइड करके डेसिमल में, तब भी यही आएगा। और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, तो तब भी ये यही आएगा। ठीक है, अब मैं इससे बताती हूँ, 25 अपॉन 100, 2 0 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट के बिफोर पॉइंट लगेगा। तो 25 है, तो 25 पॉइंट है यहाँ, 0.25। ठीक है, अब ये इस तरीके से है ना, 25 अपॉन 100, 2 0 है, तो 2 डिजिट होना चाहिए, तो 2 डिजिट अपने पास ऑलरेडी है, 2 डिजिट, 2 0 है, तो 2 डिजिट की बिफोर 0.25, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। 150 अपॉन में 100, 150 अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे 15 अपॉन 10 बचा, 10 है, तो 1 डिजिट के बिफोर पॉइंट, 15 लिखा, 1 डिजिट, 10 है, तो 1 डिजिट के बिफोर पॉइंट, तो इस तरीके से 1.5 आ गया। तो अब सेम कंडीशन है, 0 से 0 कट हो जाएगी, 2 अपॉन 10 बचेगा, तो 10 बचेगा, तो 0.2 हो जाएगा। ओके, 5 अपॉन 100, तो 2 0 है, तो मीन्स 2 डिजिट होना चाहिए, तो 5 4 0 लगाना पड़ेगी, 2 डिजिट हो गई, तो कितना हो जाएगा, 0.05। ओके, इस तरीके से टेबल बनाएंगे, फ्रैक्शन, सिंपलेस्ट फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, दिस आंसर क्वेश्चन 6 कंप्लीटेड। क्वेश्चन 7, इन अ सिटी 30% आर फीमेल। मीन्स एक सिटी में फीमेल का परसेंट कितना है, 30%। मीन्स एक सिटी में फीमेल 30% है,
और मेल कितने 40% है एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन मीन्स जो बचे हुए हैं वो क्या बच्चे हैं चिल्ड्रन है व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन मीन्स चिल्ड्रन का परसेंट बताना है। अभी देखिए सॉल्व से गिवन जो गिवन है उसको अपन गिवन में राइट कर देंगे। परसेंटेज ऑफ फीमेल कितना है परसेंट गिवन है 30% सेकेंड लाइन क्या बनेगी परसेंटेज ऑफ मेल्स 40% ठीक है ये क्वेश्चन में ही गिवन है तो अपन ने राइट कर दिया। इसके पहले अपन को टोटल बताना पड़ेगा कि टोटल एक सिटी में कितने मेल और फीमेल है तो इनका पहले प्लस कर देंगे 40 + 30 कितना हो जाएगा 70% टोटल 30% एंड 40% टोटल कितना आ गया 70% गॉट इट। ये क्यों किया क्योंकि अपन को चिल्ड्रन बताना है कि चिल्ड्रन कितने हैं चिल्ड्रन कितने कैसे पता चलेगा इन दोनों का प्लस कर देंगे और टोटल हमेशा 100% होता है तो 100 में से इन दोनों का प्लस माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग होंगे वो चिल्ड्रन अपने पास आ जाएंगे। ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का प्लस किया कितना आ गया 70% नाउ परसेंट ऑफ चिल्ड्रन अब चिल्ड्रन का परसेंट बताना है। ठीक है तो मीन्स टोटल परसेंट ठीक है क्या राइट करेंगे टोटल परसेंट माइनस परसेंट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है टोटल परसेंट कितना है 100% है टोटल ऑलवेज 100% होता है जो मेल और फीमेल का जो परसेंट अपन ने प्लस किया था उन दोनों का माइनस कर देंगे तो जो बचेंगे अपने चिल्ड्रन आ जाएंगे चिल्ड्रन का परसेंट आ जाएगा तो 100% माइनस 70% कितना आ गया 30% 100 में 70 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30% ओके हेंस 30% आर चिल्ड्रन मीन्स चिल्ड्रन कितने हैं 30% है ओके दिस इज आंसर। सेवन क्वेश्चन कंप्लीटेड। एट क्वेश्चन इज आउट ऑफ 50,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोट्स ठीक है वोटर्स हैं 15,000 ठीक है और वोट कितने का 60% फाइंड अ परसेंट ऑफ वोटर्स ठीक है वोटर्स का परसेंट फाइंड करना है हु डिड नॉट वोट ठीक है कि किसने वोट नहीं दिए मीन 60% जो वोटर्स हैं उनने तो वोट दिए हैं और किसने नहीं दिए उनका परसेंट फाइंड करना है। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट मीन्स किसने वोट नहीं दिए ठीक है कितनों ने वोट नहीं दिए तो ये अपन को फाइंड करना है। सोल्व इट टोटल वोटर्स क्वेश्चन गिवन है कितने 50,000 ठीक है परसेंटेज ऑफ वोटर कैंडिडेट मीन्स वोट किसने दिया परसेंटेज ऑफ वोट कैंडिडेट कितने परसेंट वोटर्स हैं उन्होंने वोट डाले हैं ठीक है 60% ठीक है 60% जो वोटर्स हैं उन्होंने वोट दिए हैं ठीक है जिस तरीके से वोट डालते हैं ना इतने अपने पास वोटर्स हैं इतने पीपल हैं और इतने परसेंट पीपल ने क्या डाले वोट डाले हैं ठीक है इतने कैंडिडेट हैं परसेंटेज ऑफ नॉट वोटेड कैंडिडेट तो कैसे पता चलेगा कि नॉट वोटेड कि मीन्स किसने नहीं डाले तो 60% ने तो डाले टोटल परसेंट अपना 100 होता तो 100 में से अपन 60% माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा जिसने वोट नहीं दिए ओके तो 100 - 60 कितना जाएगा 40% ठीक है। अब एक्चुअली कैंडिडेट्स कितने हैं जिनने वोट नहीं दिए ठीक है हु डिड नॉट वोट किसने नहीं दिए तो 40% ऑफ 15,000 मीन्स क्या है ये तो अपन को पता चल गया कि इतने परसेंट कैंडिडेट ने वोट नहीं दिए तो दिए कितनों ने तो मीन्स टोटल कैंडिडेट है कितने तो ये कैसे पता चलेगा ये तो परसेंट में है कितने हैं एक्चुअली कितने हैं ये अपन को बताना है तो टोटल वोटर जितने हैं ना तो उसका अपन 40% ऑफ 15,000 में टोटल का अपन 40% फाइंड कर लेंगे तो टोटल जितने भी होंगे तो वो जिन्होंने वोट नहीं दिए वो अपन को पता चल जाएगा ओके 40% 15,000 ठीक है 40% का अपन में 100 लगाते हैं ऑफ की प्लेस पर मल्टीप्लाई एंड 15,000 ओके तो अब ये देखिए 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी तो अब अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा 40 × 150 ये 20 तो इससे कैंसिल हो गई है ठीक है मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 4 = 60 20 है तो 20 लगा दो ओके तो इतने जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने वोट नहीं दिए हैंस 6,000 कैंडिडेट्स डिड नॉट वोट ठीक है 6,000 जो कैंडिडेट हैं उन्होंने वोट नहीं दिए गॉट इट।
तो बस ये एट क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया है। ओके,